सो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है एक और फ्रेश वीडियो में। तो आज एक बहुत अच्छी न्यूज़ है और उस न्यूज़ को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि हालांकि हाल ही में पुतिन साहब जी ने, जो कि प्रेसिडेंट है रशिया के, उन्होंने लॉन्च की है। और ये सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए ये न्यूज़ है और बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो ये जो न्यूज़ है ये रिलेटेड है पार्ट टाइम जॉब और जॉब्स के लिए। यहाँ पे तो एक न्यू लॉ पास हुआ है जो कि 5 अगस्त से लागू हो जाएगा, 5 अगस्त 2020 से, पार्ट टाइम और जॉब्स करने के लिए। इससे पहले क्या हुआ करता था, अगर आपको जॉब्स करनी होती थी यूनिवर्सिटी के साथ, तो आप यूनिवर्सिटी के स्टडी करने के बाद, जैसे जब आपका खाली टाइम होता था पार्ट टाइम जॉब करने के लिए, तो आपको वर्क परमिट चाहिए होता था, जो कि बहुत मुश्किल प्रोसीजर था, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती थी उसमें। तो अब ये कानून लॉन्च हुआ है कि 5 अगस्त 2020 से अगर कोई भी व्यक्ति स्टडी के साथ काम करना चाहता है तो उसको कोई परमिट की ज़रूरत नहीं है, वो कोई भी काम या जॉब कर सकता है। पहले वाली फॉर्मेलिटीज़ उसको नहीं करनी पड़ेगी। पहले क्या रूल था कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको वर्क परमिट, क्या कहते हैं, जो वर्क परमिट है वो लेना पड़ेगा, तभी आप काम कर सकते हैं। और अगर आप, हाँ पहले ये था कि अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर ही कोई काम करते हैं तो आपको वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हर किसी को यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर के साथ या किसी के साथ काम मिलना इतना आसान नहीं होता है। तो और हाँ, इसमें एक कंडीशन ये है कि आप फुल टाइम स्टूडेंट हो, या तो बैचलर्स पढ़ रहे हो या तो मास्टर्स हो। अगर सिर्फ प्रिपरेटरी कोर्स आप यहाँ पे कर रहे हो, यानी लैंग्वेज का कोर्स कर रहे हो, तो आप यहाँ जॉब से नहीं कर सकते। आप बैचलर्स कर रहे हो या मास्टर, यानी फुल टाइम स्टूडेंट होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप जो है किसी पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटी यानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो तभी आप यहाँ पे विदाउट परमिट जॉब कर सकते हैं। अभी ये कानून पास हो गया, लेकिन जो लागू है, जो कंट्रोल में है, वो 5 अगस्त 2020 से आएगा। तो अब आप क्या है, जॉब कर सकते हैं यहाँ पे स्टडी के साथ साथ, और वैकेशंस में भी, जो आपकी वैकेशंस होती हैं 2 महीने या 1.5 महीने या 1 महीने, डिपेंड करती है यूनिवर्सिटी आपको कितनी वैकेशन देती है, सबका अलग अलग होता है। तो आप उसमें वर्क कर सकते हैं और स्टडी के साथ आप जॉब कर सकते हैं। तो अब आपको कोई वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं है, पहले से बहुत इजी रूल हो गया है। तो मैं आपको बस यही बताने के लिए वीडियो बना रहा था, और आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये नया रूल सुन के, थैंक्स टू मिस्टर पुतिन। और अगर ये वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि यहाँ की एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसने इसके बारे में अनाउंस किया है। और अगर आपको और अच्छे डिटेल में पढ़ना है तो आप लिंक नीचे दे रखा है, उसको रीड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।